पट्टेपल्ली के एरिए रोशन कॉलोनी में रहने वाली आवाम को तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सहूलत फराहम नहीं की गई। इसी सिलसिले में उपगुड़ा डिवीजन इंचार्ज एम दीक्षापति सिटी सेक्रेटरी मोहम्मद असलम ने वहां पहुंचकर जायजा लिया और हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश की कि वो जल्द से जल्द आवाम की तकलीफों को दूर करे। आइए देखते हैं ये खबर। आप आओ जी, सब यहाँ पे मैं कुट्टापल्ली आसन कॉलने में आज जो हमारा कोऑर्डिनेट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो MLA साहब और कॉर्पोरेटर साहब साहब से गुजारिश है कि यहाँ पे बस्ती में जो भी है और यहाँ पे एक गवर्नमेंट क्या बोलते हैं गवर्नमेंट के अपना है तो आंगनवाड़ी स्कूल भी नहीं है अभी तक, बस्ती दवाखाना भी नहीं है और रोड़ा सही नहीं है और इसी के तरफ और क्या रोड़ा सही नहीं है जो भी है बच्चों का आंगनवाड़ी स्कूल का भी स्कूल भी नहीं है स्कूल के और बस्ती दवाखाना जो भी नहीं है उसके वजह से जल्दी वो इमीडियटली खराब होकर बोल रहा हूँ। और एक क्या है बोलता हूँ हमारा तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट क्या है इतने इतने जो अपने लेडीज़ जो है अपने हमारे उन लोगों के वजह से जो डबल बेडरूम के वजह से और दोनों के वजह से लोगों एक 8-10 महीने हो जाए उन लोगों के वजह से उसके दरखास्त करके अभी तक उन लोगों को लोना नहीं मिले तो हम लोगों यही पूछे कि उन लोगों के भी कैसा भी उन लोगों को एक वो करे तो देखिए भाई हमारे रोशन कॉलोनी में ना पानी सही है ना कुछ सही है, पूरा पानी बहते रहता और यहाँ पे कोई लाइन नहीं दी है पानी की, कैसा अगर ना बोलो आप, ना यहाँ कुछ राशन कार्ड की दुकान है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है और बोलो आप यहाँ जनीचों का पानी पूरा मोहल्लों का बहते रहता साहब, आप लोग देखेंगे तो कुछ करेंगे तो कुछ भी होगा ना, यहाँ पे पूरा बस्ती में बच्चे हैं ये है सब बीमार हो रहे साहब, अब पूरे मोहल्लों का पानी बहता था, आप आके देखिए, आप आके देखे तो आपको मालूम होता पानी की कुछ सही नहीं है, यहाँ पे सप्लाई कुछ सही नहीं है। अब देखो वो जो डिफेंस का जो पाइप है साहब, अब कब दिन खोलता, 10 दिन खोलता, कभी 12 दिन खोलता, कभी बंद कर देता, कभी खोलता नहीं पानी का, ऐसा पानी की बहुत ये है साहब। और यहाँ एक दवाखाना भी होना है, गवर्नमेंट का दवाखाना भी होना है और राशन की दुकान भी होना है साहब, यहाँ राशन की दुकान भी नहीं है, अब जाना तो औरतें लेडीज वहाँ जाना दूर वहाँ गए तो राशन नहीं मिलता वो नहीं मिलता, तो आप देखिए साहब, आप देखे तो आपको मालूम होगा साहब, समझ गए राशन भाई, देखिए आप सदर साहब से सदर साहब से गुजारिश है जरा हमारे रोशन कॉलोनी को देखिए साहब आके, आप देखे तो आप मालूम होता आपको, यहाँ पे इतना वो है पानी का बहुत तकलीफ है हमारे, एक पानी की 6 इंच की लेंथ दे तो सबको हमारे पानी को सहूलत हो जाती साहब, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है पानी हमारे यहाँ पे, पानी की बहुत बड़ी वो है, समझ गया। अच्छा ये बोलेंगे तो RR में आता आपका ये आता बोलते साहब, मगर वोट तो आपको देते हम मजलिस को देते वोट हर चीज, समझ गया साहब, आप लोगों को देते क्योंकि नमक के कंकर है हमारे सरदार के, बल्कि आपको देते असद बाबा को और तुम्हारे अकबर साहब को, आपको देते MIM को देते ना साहब, हम अब हमारे जो है ना सब स्वास्थ्य आपको ही बोलना पड़ता, हमारी जमात है बल्कि आप लोगों को ये करते हम, समझ गए सर, दीजिए आप आपकी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह ताला जो भी है नलों का और जो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल अभी तक बस्ती दवाखाना बोल के जो है ना अभी तक यहाँ पे अभी तक बस्ती दवाखाना भी नहीं है और ये मस्जिद को जाने में रोड में देखो रोड पर देखिए आप पूरा पूरा रोड पर पानी है वो भी तकलीफ हो रही और क्या बस्ती पानी भरता अभी इसमें क्या बोलते बस्ती दवाखाना बोलो बस्ती दवाखाना वो भी नहीं है यहाँ पे और गवर्नमेंट की आंगनवाड़ी स्कूल जो भी वो हर चीज़ नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे वट्टापल्ली पे अब यहाँ पे रोशन कॉलोनी में मैडम अपना आज हमारे को जो यहाँ पे इन्वाइट करेंगे, इसी के वजह से जो भी यहाँ पे यहाँ का MLA और कॉर्पोरेटर साहब को हमारे उससे उनसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द आप देखिए एक बार आके जो इसका वो दस करके उसका हल निकाल के